आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूरू सोशल वर्कर सैयद यूनुस ने आज तहफूज़े खबरस्तान को जमीन खोदने वाली मिशन दान की और ये भी विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में और भी मिशनों का इंतजाम करके तहफूज़े खबरस्तान वालों तक पहुंचाएंगे। मैसूर 24 चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। वाइस प्रेसिडेंट तहफूज़े खबरस्तान कमेटी का मैं एक खिदमतगार हूँ का जो कल परसों कोविड के जो मौता का जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ मैत आने की वजह से जो वहाँ के नौजवान जो ग्राहक खोदने पर से जो तकलीफ़ उठाए वो देख नहीं सकते। ये हमारी कमेटी के जो मेम्बरान अब जो हैं हमारे तेल फैयाज भी पीर हुआ उनको फ़ोन करके बोलिया हुई खोदने की मशीन आती है ये मशीन डाल लो या फिर तो लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं कहाँ की फ़ोन करया मशीन रेडी है कि मैं ख़रीद दल जाइए मशीन ख़रीद को हमारे वालिदैन के नाम से मैं तहफूज़े खबरस्तान को ये मशीन जो है डोनेट कर रहा हूँ और ये इसका वायर जो 90 मीटर्स की वायर जो कायल जो है पूरा हमारे शबनम सईद भाई ना उनके भाई शाहब शाहबुद्दीन को उन्होंने कल बोलते ही उन्होंने कायल वही दे हुए साले दो भी पूरा इलेक्ट्रिशियन को बुला को रेडी कर को आज ये कमेटी के ऑफिस से हमारे गुलशीर भाई को रशीद भाई को और बाबू को इनको बुला को ये मशीन दे को भेज रहा हूँ मैं इसका इंशाल्लाह ये मशीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये सक्सेस हो को उनको इस्तेमाल में आगे करके बोले तो इंशाल्लाह और एक दो मशीन दिला को देंगे वहाँ तो यानी क्या छोबरदा को काम सलीस होता है जल्दी होता है लाइन लग रहा है वहाँ मोहता ले लगा को मेरा आवानी तेरा आवानी कर को उसके वजह से ये इंतजार नहीं होना जल्द से जल्द काम होने मैयत को तकलीफ़ नहीं होने की वजह से ये मशीन का मैं सोच को दे रहा हूँ इसे अल्लाह ताला इसे कबूल कर को इसका सवाब जो है हमारे वालिदैन को इसका अजर देने बस मैं इसका शुक्रिया अदा करूँ। अब ये जो मैं कल का जो 21 मैयत आए तो रात को एक इमरजेंसी मोहता फयाज भी बोले एक मोहता दफनाने के वास्ते हमारे घर खोदने वाले हम छोकरा था हम बोले तो पूरे थके हुए थे उस वजह से मैं ये जल्दी दिमाग में आकर रेडी कराया और ये जो है हमारा आखिरी वक्त आखिरी घर ये अब ये चीज़ को हमें क्या करे तो भी कम घर में शानो शौकत को झूमरा लगा लेती हैं क्या क्या कर लेती हैं सोफे बना लेती हैं लेकिन हमारी आराम का जो है ये में इसे जो है क्या करे तो भी कम है पूरी आवाम जो है इसकी हिफाजत करना क्या भी कमेटी मई तेरा मेरा करने का सवाल नहीं है यहाँ ये सबका घर है सब एक जगह आपको मतफून होना है ये जो है आखिरी हमारा मुकाम है कितना याद कर लेको इसका आखिरत का तोशा भी घट कर लेना और हमारे आमाल भी सही कर लेको यहाँ आपको सोना सो ये चीज़ को आवाम को मैं जो कोविड का है ये कोविड का ज़रा डिस्टेंस रख लेको तुम्हारी घर में सबकी हिफाजत कर लेको मास्क सैनिटाइजर इसका यूज़ कर लेको और हमारे प्रशासन पुलिस प्रशासन है गवर्नमेंट के ही हमारे MLA साहब तनवीर शेख साहब हैं इन्हों सब जो गाइडलाइंस दे रही ये गाइडलाइंस को सब अवाम साथ देखो एक को एक सपोर्ट करना
यानी कि एक को एक ताने लगा लगो, उसके अंदर से निकाल को पार्शलिटी कर लगो, तू मई मई करने का सवाल करो ना को जी, तू मई मई कर रहे हैं सवाल कर लगो, ये करो ना सब एक को जुड़ को काम कर जी। इतना बोलते हुए मैं पूरी आवाम के वास्ते में एक आजीजाना दरखास्त करता हूँ, बगैर मास्क के काम में निकलो ना को, और लॉकडाउन का पूरा पालन करो, पुलिस का साथ दो। शुक्रिया।